उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में पल्लवपुरम स्थित आवास पर उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष व राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि लव जिहाद करने वाले कुराफातियों को मिलेगी कड़ी सजा। अब नहीं कर पाएंगे भोली भाली लड़कियों के साथ धोखा व छल, उसके लिए बनाया गया है कड़ा कानून। अब छल करने वालों को मिलेगी सजा 5 साल की कैद व 15,000 का जुर्माना होगा। अब सामूहिक धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते और किसी को भ्रमित करके लव जिहाद करने पर लगेगी रोक। साथ ही सुनील भराला ने विपक्ष को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति से आए बाज, अब सभी धर्मों को मिलेगा सम्मान, किसी भी समाज की लड़की के साथ नहीं होगा छल। परंतु विपक्ष अल्पसंख्यक समाज को भ्रमित करने का अभी भी कर रहे हैं काम। लव जिहादियों को बड़ी चुनौती दी गई है और अब इस अध्यादेश से निश्चित रूप से पूरा प्रतिबंध लगेगा। जिस प्रकार से लव जिहादी मिशन बना करके और हाथ में कलावा बांध करके, माथे पर तलक लगा करके, अपना धर्म छुपा करके और जो अपने हिंदू परिवारों की लड़कियों को बहला फुसला करके उनके साथ विवाह रचने का काम करते थे और बाद में उसको फिर राह में छोड़ करके उसके जीवन को बर्बाद करने का जो काम लव जिहाद वाले कर रहे थे, अब इनको कड़ा झटका लगेगा। इस अध्यादेश में प्रावधान दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि हम इसमें 15,000 रुपये जुर्माना और 5 साल की सजा और धर्म परिवर्तन करने से पहले आपको स्पष्ट करना पड़ेगा और सामूहिक धर्म परिवर्तन करने पर भी प्रतिबंध लगेगा। इस प्रकार का ये कानून आ रहा है और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को बहुत बधाई दूंगा कि जिस दिन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, ऐसे पीड़ित परिवार परेशान थे, अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजने से डर रहे थे, आज उनके लिए सबको बहुत खुशी का दिन है और ये अच्छे से उन्होंने करके उत्तर प्रदेश में एक मिसाल कायम की है।